इस वक्त हम जोधपुर के उस मोहल्ले में मौजूद हैं जहां पर ईद की नमाज के बाद अचानक से कुछ दंगाई पहुंचे और उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, दुकानों में तोड़फोड़ की और इस पूरी गली में जो भी उन्हें नजर आया उसको तहस नहस कर दिया। तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि काफी सारे जो लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे अचानक से। लोगों को ये उम्मीद भी नहीं थी कि आखिरकार क्या होने वाला है। रात को तो एक बार दंगा जो था वो जोधपुर के अंदर हो चुका था, लेकिन उसके बाद यहाँ के लोगों ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि एक बार फिर से कुछ दंगाई जो है वो पहुंचने वाले हैं। दंगाई यहाँ इस मोहल्ले के अंदर पहुंचे और जो उनको यहाँ पर नजर आया उसमें वो तोड़फोड़ यहाँ पर करते चले गए। इस वक्त भारी पुलिस बल आपको यहाँ पर तैनात साफ तौर पर नजर आएगा। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। तस्वीरों में आप ये देखिए, ये बाइक जो भी यहाँ चीजें मौजूद थी उनको दंगाइयों ने तोड़ दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज सोनी है। जी, कितने बजे का वक्त रहा होगा और क्या हुआ, कितने लोग थे, पूरी बात बताइए। लगभग 11:30 का वक्त रहा। यहाँ से एक मोटरसाइकिल सवार निकला था, उसके गले में केसरिया गमछा लगा हुआ था। तो वहाँ से उधर 50 जने लगभग खड़े थे, तो उनको देख के वो वापस मुड़ गया। मुड़ते ही पीछे से हमला स्टार्ट हो गया। एक आदमी भगता भगता तलवार लेके आया और उसके ऊपर वार किया, लेकिन उसमें वो बच गया था। उसके 10 मिनट बाद बहुत सारे लोग यहाँ से इकट्ठा होके आया, हाथों में तलवार, बैट, पत्थर और सब थे, और उन्होंने वहाँ से पत्थरबाजी स्टार्ट की। आगे गए हमारे सुनारों के पास में जाके तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की, वापस आते समय गाड़ियों के ऊपर पत्थरबाजी की और उन्होंने गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। कम से कम 15-20 गाड़ियाँ, मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मेरे खुद के हाथ के चोट लगी है। चोट आपको इसी में लगी है? इसी में पत्थर से मेरे हाथों पर चोट लगी है। और फिर उन्होंने वापस इतनी देर दूसरी तरफ से भी पत्थरबाजी हो गई। कम से कम 20-25 मिनट ये काम चलता रहा। उसके बाद पुलिस प्रशासन आई। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि आज ईद का माहौल है तो यहाँ पर कोई ना कोई पुलिस वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था घटना के वक्त। घटना के 20-25 मिनट बाद पुलिस वाले यहाँ पर आए। आपके CCTV कैमरे में भी कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं। जो सामने CCTV कैमरा आप देख रहे हैं, कैमरा पर अरविंद आपको दिखाएंगे, जो कैमरा आप देख रहे हैं पुलिस के लिए बहुत बड़ी मदद होगी इस CCTV कैमरे से, क्योंकि इसमें दंगाइयों की जो तस्वीरें हैं वो कैद हो गई हैं। तस्वीरों में क्या निकल कर गया है? तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि वो कितने लोग थे और क्या क्या हाथों में था। तलवार भी साफ नज़र आ रही है तस्वीरों में। अब पुलिस कह रही है हम चेहरा पहचान कर और उनकी तस्दीक करेंगे और गिरफ्तारी करेंगे। यहीं के रहने वाले और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कितना डर लग रहा था आपको उस वक्त जिस वक्त हंगामा हुआ? हमारे सामने झगड़ा शुरू हुआ है, हम बालकनी में खड़े थे, एकदम आका हो या बालकनी में आए खड़े थे। इधर से कुछ आदमी छोरे आए थे, 8-10 छोरे, एक हाथ में तलवार थी, नंगी तलवार थी, और वो भाग रहे थे। वो उठे, आगे तक जाके तोड़ भाग किए, हर गाड़ी को तोड़ भाग किए। मेरे नज़रों के सामने झगड़ा शुरू हुआ है और इधर से बदमाश आए, सब मुस्लिम कौम जो भी है वो इधर से आए, झगड़ा इधर ने शुरू किया है, फिर तक आगे जाके झगड़ा से किया। फिर उन्होंने उधर से वो कुछ लोग आए, तब कभी जाके ये पत्थर चले इधर से उधर से उधर से इधर से इधर, पत्थर का हमारे नज़रों के सामने झगड़ा शुरू हुआ। हम इस बालकनी में रहते हैं, इस बालकनी में हमारे नज़रों देखा हाल इतना झगड़ा, मतलब पूरे मोहल्ले के अंदर डर का माहौल था। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कितना डर था उस वक्त जिस वक्त यहाँ हंगामा हो रहा था? उस वक्त मौजूद नहीं था यहाँ पे, मैं 10 मिनट बाद में आया था। आप थे, आप बताइए हमारी क्या हुआ था? एकदम से तेज तेज आवाज आ रही थी, घर में खाना बना रहे थे, अक्सर तेते का माहौल था, आराम से खाना बना रहे थे, एकदम से जोर से आवाज आई, पत्थर फेंकने की, तलवार, जोर जोर से आवाज आई, एकदम भाग के बाहर आए। करीबन 24-25 साल के लड़के जो हमारी इधर मोहल्ले के नहीं लग रहे थे वो आए, भागते भागते सारी जगह तोड़ फोड़, गाड़ियां तोड़ देखो, इधर देखो आप, इधर गाड़ी देखो, बहुत गाड़ियां तोड़ी, सर पे चोट आई है किसी के, पत्थर फेंके बड़े बड़े, नहीं सर मुंह नहीं बंदे होते किसी का, किसी ने फेंका तो बहुत ज्यादा, तो डर गए। कितना डर गए थे, बच्चे घर के अंदर मौजूद थे? तो आज्ञा नहीं दी क्या, तो गाड़ियां तोड़नी शुरू की, सब हाँ तलवार लेना है और गाड़ियां तोड़ दी सब, उठे उन्हें घर में बैठो ना, लड़के पत्थर लगे मारते मैं इतनी तेज लगी। काफी डर का माहौल था उस वक्त यहाँ पर, लोग अपने घरों के अंदर मौजूद थे और नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार क्या हो रहा है। गली के अंदर लोग दौड़ रहे थे, हाथों में तलवारें थी और जो भी उनको यहाँ पर नजर आया उसमें तोड़फोड़ करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ते चले गए। आपको बताना चाहेंगे कि ये ज्वेलर्स का मोहल्ला है, यहाँ पर सारे जो ज्वेलर्स हैं उनकी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देखिए,
जो भी चीज उनको जो भी गाड़ी मिलती रही उसमें वो तोड़फोड़ करते हुए यहाँ से निकलते रहे, उसके बाद वो फरार हो गए। आप यहीं पे थे तब? मेरे सामने ही हुआ था, इधर इधर से आए थे कुछ लोग, वो आए एकदम दौड़ते दौड़ते और वहाँ पे लाठी हाथ में और खूब 15-20 जने थे और लाठी और तलवार और वो सब लेके इधर से दौड़ते आए और सब दरवाजों पे और जो भी मिला उसके ऊपर बजाते बजाते और खूब तरह से आतंक फैलाया उन्होंने। कितनी देर तक डर का माहौल रहा यहाँ मोहल्ले में? 20 मिनट तो था, फिर सामने से भी कुछ लोग आए तो वो वापस भागे और वहाँ से फिर पत्थर शुरू कर दिया उन्होंने। काफी जो डर का वो माहौल था वो इस पूरे मोहल्ले के अंदर शुरू हो गया था और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो लोग बता रहे हैं कि पुलिस काफी देर से यहाँ पहुंची। अगर अभी की स्थिति की बात करें तो स्थिति तनावपूर्ण जरूर बनी हुई है लेकिन कंट्रोल में है, पुलिस बल इस पूरे इलाके में तैनात किया गया है। कैमरामैन अरविंद कुमार के साथ मनोज वर्मा, ABP News जोधपुर।